सहारनपुर में एक बार फिर से देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। देवबंद के गोपाली चौक पर उरकाजी की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख दोनों बदमाश बिना रुके पुलिस पर फायरिंग करते हुए देवबंद की ओर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा करते हुए वायरलेस पर सूचना दी। सूचना मिलते ही स्वाट टीम और देवबंद प्रभारी द्वारा बदमाश को बाबरपुर गाँव के पास रोकने का इशारा किया गया, जिसमे दोनों ओर से फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। वहीं बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल बदमाश और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज देवबंद थाना क्षेत्र में SHO देवबंद, स्वाट टीम और जो इंटेलिजेंस विंग है उसके संयुक्त प्रयास के दौरान चेकिंग में एक बदमाश विनर मोगली के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसको गोली लगी है और उसके द्वारा चलाई गोली हमारे एक साथी पुलिसकर्मी शराब के जैकेट पे लगी है। और ये वस्तुतः चेकिंग चल रही थी, उसी चेकिंग के दौरान ये बदमाश वहाँ से निकल रहे थे, इनको रुकने का इशारा किया गया, जिसमें न रुक करके न बदले में फायरिंग चालू कर दी। ये बदमाश पुराना क्रिमिनल है, इसमें लूट और GRP से चोरी के मुकदमे, इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट भी कायम है और ये संभवतः किसी वारदात को करने के लिए जा रहे थे। ये पुलिस की मुस्तैदी के चलते ये बदमाश काबू में आया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संवाददाता जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट।